देश को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी बिना थके रुके दिन रात डटे हैं। चार साल में पीएम मोदी ने देश में आर्थिक सुधार को लेकर और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कई बड़े और कड़े फैसले लेकर देश और दुनिया को चौंकाया। इन फैसलों ने दुनिया का ध्यान पीएम मोदी की ओर खींचा और मोदी दुनिया में एक साहसिक पीएम के तौर पर उभरे। हालांकि देश में विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी के हर फैसले पर विरोध जताया, लेकिन दुनिया मान रही है कि पीएम मोदी द्वारा लिए गए उन बड़े और कड़े फैसलों का ही नतीजा है कि आज भारत दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां ये मान रही है कि पिछले कुछ वर्षों में यानी मोदी सरकार में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की वजह से ही भारत के पास तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा बरकरार रहेगा। विश्व रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी 2018 और 2019 में 7.5% रहेगी। आईएमएफ के अनुसार 2018 में 7.3% और 2019 में 7.4% की दर से भारत के विकास दर को रफ्तार मिलेगी। विश्व बैंक के मुताबिक 2018 में 7.3% की दर से भारत आगे बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 2018-19 में भारत की जीडीपी 7.4% रहेगी। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारत की विकास दर 7.3% और 2019 में 7.4% रहेगी। यही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक इस साल यानी 2018 में भारत की अर्थव्यवस्था चीन से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी और इस वर्ष भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आई तेजी चीन की जीडीपी दर से भी ज्यादा होगी। मोदी नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मिल रहा यह रफ्तार यही दर्शाता है कि मोदी देश की अर्थव्यवस्था का नब्ज काफी कम समय में ही टटोल चुके हैं और इसलिए उनका हर फैसला न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई दे रहा है बल्कि विश्व पटल पर भारत को देखने का नजरिया भी बदल रहा है।